जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आप सबको आज एक ऐसा टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसके सेवन से आप अपने मोटापा यानी कि चर्बी को 10 से 12 केजी तक एक महीने में कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि फास्ट फूड हमारी लाइफ में हर रोज़ का एक नॉर्मल सी बात बन गई है। हम हर रोज़ खाते हैं लगभग, और इसका होता क्या है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी हो गई है दोस्तों कि हमारा शरीर बहुत ओवरवेट हो जाता है, हम मोटे होते जाते हैं। इसका लॉस ये होता है दोस्तों कि हम बाद में बहुत ही हमें भुगतना पड़ता है, और सभी चाहते हैं इसके लिए एक सही तरीका मिल जाए। लेकिन समस्या क्या आती है, कोई डायबिटीज़ का मरीज है, तो किसी को थायराइड है, किसी को पेट में स्टोन है, तो हर तरह की दवाइयाँ जो मार्केट में मिलती है उन्हें हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन हम आपको एक आज ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों जिसके सेवन से ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता और आपका 10 से 12 केजी तक वेट एक महीने में कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही सस्ता और सुगम है, इसको बनाना भी कहीं दूर नहीं जाना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप खुद इसको घर पर बना सकते हैं दोस्तों। और ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई औषधि है जिसका सेवन करके आप अपना वेट 10 से 12 केजी तक कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम आप सबको उस प्रोसेस की तरफ ले के चलते हैं जिसकी बदौलत हम आप सबका वेट यानी कि आप खुद ब खुद अपना वेट कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप सभी के घर में दोस्तों आलू होता है, पोटैटो, इसका सेवन करना है। लेकिन कैसे करना है ये तरीका हम आपको बताएंगे। पोटैटो के सबसे पहले आप गुण जान लीजिए कि उसके फायदे क्या होते हैं। पोटैटो में दोस्तों पोटेशियम होता है, पोटेशियम की मात्रा होती है जिसको खाने से आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा अनियंत्रित नहीं होती है, यानी कि आपकी बॉडी में नमक जो होता है वो अनियंत्रित नहीं होता है, इसको ये कम करता है जिसकी वजह से आपकी चर्बी जो है वो कंट्रोल्ड रहती है, आपके शरीर में फैट नहीं बनता है बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको आलू का सेवन करना चाहिए, वो भी सही तरीके से, ये आपके बॉडी से नमक को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आलू में यानी कि पोटैटो में आयरन की मात्रा पाई जाती है। आयरन सभी जानते हैं हमारे ब्लड को प्योरीफाइड करता है, हमारे ब्लड के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है आयरन दोस्तों। अगर आयरन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमें मोतियाबिंद इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ब्लड अगर हमारा प्योरीफाइड ना हो तो ब्लड में आयरन की मात्रा होनी ज़रूरी है, और ये आलू यानी कि पोटैटो आपकी बॉडी में पूरा करता है। और मुख्य मुद्दा है हमारा मोटापा कम करना। तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है दोस्तों, तो इससे हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं बनता है, ये कंट्रोल्ड रखता है उसको। इसके साथ साथ दोस्तों आलू में यानी कि पोटैटो में प्रोटीन की मात्रा होती है जो कि आपकी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। होता क्या है कि हम लोग कई बार सोचते हैं दोस्तों कि खाना नहीं खाने से हमारी बॉडी का फैट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डाइटिंग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ खाना है, लेकिन बस नियमित टाइम पे और अपनी बॉडी के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाना है। हर चीज़ बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो पोटैटो में प्रोटीन की मात्रा होती है जो कि हमारी बॉडी के ओवरवेट से लेकर के हर चीज़ को संतुलित रखती है। पोटैटो रहेगा आपकी बॉडी में कमजोरी नहीं होगा और ना ही थायराइड की समस्या होगी। थायराइड वालों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए भी बॉडी सूज जाती है, तो इसलिए भी हमारी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगता है दोस्तों कि पोटैटो खाने की वजह से फैट बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, कोई भी खाना यानी कि बॉडी में प्रोटीन की मात्रा जरूरी होती है, वैसे ही पोटैटो को खाने की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ता है। वेट बढ़ता है अगर आप गलत तरीके से खाएं, जैसे कि उसको बहुत ऑयली में आप उसको तल लिए, मसालेदार बहुत बना दिए, तब तो लॉस करेगा ही दोस्तों, क्योंकि उसमें वो एलिमेंट्स आपने मिक्स कर दिए। आपको पोटैटो खाना है लेकिन ज़्यादातर सादे रूप में खाइए, वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। लेकिन अगर उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो वो आपकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करता है, इसलिए आपको पोटैटो को बहुत ज़्यादा तल करके यानी कि ऑयली करके
या बहुत ज़्यादा नमक मिला करके नहीं खाना होता है, उसको नेचुरल रूप में यूज करें, आपकी बॉडी नेचुरल रहेगी। नमस्कार, हम आपको एक और टॉपिक पर अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।